हाय, फर्ज करें कि आपने अभी नए नए किसी चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है। 2 दिन पहले आप हैदराबाद से घर पे आए हो, उसके बाद वर्कआउट करके तगड़ा वाला आप घर पे आते हो, देखते हो न्यूज़ बॉय जो इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ चैनल है यूट्यूब का, उसने आपकी स्टोरी कवर की है। तो आप बोलते हो उसको, भाई यूट्यूब की पहली कॉन्ट्रोवर्सी मुबारक हो, और फिर आपके डीएम्स वीएम्स आ रहे हैं। बट नहीं, आप वो नहीं करते। आप पहले आते हो, लैपटॉप पकड़ते हो और अपना रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने बैठते हो। उतने में आपका भाई जो है पीछे से डिवाइन बन के आता है और बोलता है, चल बॉम्बे। और मैं ओके, तो फिलहाल सीन ये है कि मैं और मेरा भाई बिजनेस के काम से आ रहे हैं पुणे या पता नहीं बॉम्बे, तो हम लोग निकल रहे हैं अभी। और एकदम अर्जेंट बेसिस पे मेरे को कॉल आया मेरे भाई का। ओके, तो सीन ऐसा है, मेरे भाई मैं ऑलरेडी एडिटिंग कर रहा था और ऊपर से मेरे भाई ने मेरे को बोला कि अभी निकलना है एकदम अर्जेंट बेसिस पे। तो मैंने बराबर पैकिंग भी नहीं करी, मेरा आधा सामान तो डिक्की में डाला हुआ है और ये एडिटिंग आधी हो रही है यहाँ पे बैठे बैठे। वो पीछे वाइट वाली कार खड़ी है हमारी। और सीन ये है कि मैं बोल रहा था पुणे जा रहे हैं, पर अभी रास्ते में बोला मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि इतने फास्ट निकले कि मेरे को पता भी नहीं कि डेस्टिनेशन कौन सी है। और बॉम्बे हम जा रहे हैं आशीष भाटिया से मिलने। मजाक कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते अच्छे तो आपको पता होगा कि न्यूज़ बॉय ने स्टोरी कवर कर ली है, तो उसके बाद में काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं और मेरे को वो भी कवर करने का टाइम नहीं है। मैं तो इतना बिजी था कि कार में भी एडिटिंग कर रहा था। तो अभी ढाबे पे रुके हैं खाने के लिए। और ये मेरा भाई है जिसके हाथ में निकल रहा हूँ, इसका नाम है अदर मिश्रा। ये पहले वीडियो में आ चुका है, कैसे झलकी उलकी मारा होगा इसने कहीं पे, पर आज इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये आपको दिखने वाला है अभी 2-3 दिन, मतलब जब तक जिंदगी है मेरी तब तक दिखते रहेंगे। दीपक भाई भी हमारे साथ। बॉम्बे कोई घर के पीछे वाली गली में तो है नहीं कि लगड़ी टांग खेलते खेलते पहुंच गए, है ना। अब भैया हम निकल तो गए थे ना, सोचे समझे 5 मिनट में बैग पैक करके। हमको पता भी नहीं था कि है कितना किलोमीटर दूर मुंबई यहाँ से। पता चला 800 किलोमीटर है, पहुंचने को लग जाते 18 घंटे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। अब गूगल का क्या है, एवरेज स्पीड बताता है और ब्रो इज प्रो, तो ब्रो की तो स्पीड ऐसे 100-120 चलती है ना। तो ब्रो बस लाइक 120 पे चलाएंगे और 18 घंटे क्या है, 12 घंटे में पहुंचाएंगे। पन हालात और रोडों के सामने किसकी चलती है। गुड मॉर्निंग, इट्स 9 AM और अभी हम पहुंचे औरंगाबाद। यहाँ से और है कुछ 400 किलोमीटर दूर मुंबई। पता नहीं कितने बजेंगे, अभी तो लग रहा है दोपहर के 3 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। और बात ये भी है कि अगर हमको इतना जल्दी जाना ही था, नागपुर से सुबह फ्लाइट मिल गई होती, हम उससे क्यों नहीं गए। एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन, हमने भी सोचा ये, पर ये अभी सुबह सुबह सोचा। तो अब आधा रास्ता क्रॉस करने का वापस नागपुर जाएगा कुछ मतलब है नहीं ना भाई। जिंदगी में कभी कभी आपका मन कर गया ना, मेरी ऐसी चुल आ गई आप में और आपको जाने का मन कर गया, बस नागपुर औरंगाबाद हाईवे पकड़ लेना, 10 किलोमीटर के बाद आप रोड देख के यूटर्न मार के घर जाओगे, बोलेंगे फ्लाइट से जाऊंगा मुंबई, गाड़ी से नहीं जाऊंगा, कान पकड़ लिए भाई। नागपुर औरंगाबाद हाईवे सबसे बेकार, आपको साइन बोर्ड्स भी नहीं मिलेंगे कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, गड्ढे इतने ज़्यादा है। तो वो रास्ते से आओगे ना तो प्लीज़ गूगल मैप ऑन करके आना, गूगल मैप सही बताएं। शाम के बज रहे 5 के करीब कुछ, और अभी तक हमने पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ा है, और रात भर से लड्डू ड्राइविंग कर रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ। मैंने बीच में 1 घंटे के लिए गाड़ी पकड़ी थी चलाने के लिए, तो मेरे को झपकी आ रही थी, तो मैं बोला पीछे आके बढ़ गया, तो 2 घंटे सो गया था मैं। जो मैं हमेशा बोलते रहता ना ब्रो इज प्रो, उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ब्रो का ब्रो इज ब्रो से ज़्यादा प्रो। क्योंकि सीन ये है कि मैं पीछे बैठे बैठे थक गया था और मेरा भाई पूरी रात गाड़ी चलाते हुए नहीं थका, और किसी तरह से पता नहीं इतने खराब रास्ते पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक के साथ उसने किसी तरीके से पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे तक पहुँचा दिया। और उसके बाद जो है जो मक्खन वाला रास्ता शुरू हुआ है ना भाई, क्या है अच्छे रास्ते की कदर जो है ना आपको बुरे रास्तों से गुजरने के बाद ही होती है, तो वो मक्खन रास्ता है मेरे लिए आज से। शाम को 6 बजे के बाद में आई वॉज एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, ऑलमोस्ट 2 दिन से जाग रहे थे। ऊपर से ड्राइविंग, अलग से ड्राइविंग मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया। और अभी सुबह सुबह निकले, आज का प्लान होता कुछ खास नहीं, 2-3 बिजनेस मीटिंग्स करनी है और उसके बाद शायद आज या कल में निकल जाएंगे। और बॉम्बे आए हैं तो बॉम्बे के सेक्सीएस्ट बॉय से मिल लेते हैं भाई, मिस्टर
जानू शर्मा। सारे लोग कार में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ में और दो लोग हैं, जानू भी है, उनके फ्रेंड है, तो ओला बुलाई है। भैया आपका नाम क्या है? हम रामाधीर सिंह, नाइस टू मीट यू। जैसे कि आप जानते हैं 99% मीटिंग्स बताई नहीं जा सकती, और ये तो यूट्यूब से रिलेटेड थी भी नहीं, तो बता के कुछ मतलब है नहीं, बट मीटिंग वो सक्सेसफुल। अब इसके बाद मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं वापस चंद्रपुर चले जाऊँ या तो यहाँ रह लूँ। और कुछ लोगों को पता है ये चीज़, कुछ लोगों को नहीं पता, जो मेरे खास है उनको बहुत अच्छे पता है कि मैं अभी मुंबई और गोवा शायद जाने वाला था। अब जो है जब मैं मुंबई आ ही चुका था तो मैं सोचा कि मुंबई में रुक जाऊँ, क्योंकि आने जाने के मेरे ट्रैवलिंग के पैसे बच जाएंगे और उन्हीं पैसों से फिर मैं शॉपिंग कर लूँगा, यू नो, बिजनेस, दिस इज बिजनेस।